यूं तो अमरावती जिला अस्पताल अपनी लापरवाही के चलते हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन 22 अप्रैल की सुबह उस वक्त अस्पताल में भगदड़ सी मच गई जब एक 16 नंबर वार्ड का मरीज जिला सामान्य अस्पताल के एम्बुलेंस लेकर वहां से फरार होने में कामयाब पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह तड़के 6:30 बजे के करीब एक मरीज जिसका नाम धर्मेंद्र कठाले बताया जाता है, जो चंद्रपुर के भावसार नगर का रहवासी बताया जाता है, कुछ दिन पहले इरविन अस्पताल में हाथ फ्रैक्चर होने के चलते भर्ती कराया गया था। 22 अप्रैल के सुबह 6:30 बजे वो वार्ड नंबर 16 से जिला सामान्य अस्पताल की एम्बुलेंस लेकर फरार होने में कामयाब पाया गया। सुबह 7 बजे के करीब वो बडनेरा पहुंचा और बडनेरा के सिंधी कैंप स्थित VCN के कार्यालय के सामने उसकी एम्बुलेंस थोड़ी सी डगमगा गई, जिसके चलते VCN न्यूज के संचालक प्रकाश गिडवानी इनके सुपुत्र गोलू गिडवानी द्वारा जब उससे पूछा गया वो यहाँ पर किसको तलाश कर रहा है, तब उसने किसी का नाम बताया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उसका बाया हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से वो एक ही हाथ से करीब 100 की स्पीड में अमरावती से फरार हुआ था। जिला सामान्य अस्पताल से अमरावती में फरार होने में कामयाब पाया गया था और बडनेरा में जाकर सिंधी कैंप स्थित VCN कार्यालय के आगे वो बार बार हॉर्न बजा रहा था। जब उसे पूछा गया कि वो किसके यहाँ पर आना चाहता है, किसके यहाँ पर जाना चाहता है, तब उसने किसी का नाम बताया। तब VCN न्यूज के संचालक द्वारा बडनेरा पुलिस स्टेशन को फोन द्वारा यह सूचना दी गई। उसके करीब 1.25 घंटे के बाद पुलिस का वहां पर आगमन हुआ और एम्बुलेंस के साथ मरीज को लेकर पुलिस वहां से निकल गई। 7:20 पे क्या हुआ था, यहाँ से एकदम 120 की स्पीड से सुमो गाड़ी बड़ी एम्बुलेंस एक लड़का लेके आ रहा था, एक हाथ से इरविन से प्लास्टर लगा हुआ था लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड से एक सिंगल हाथ से गाड़ी चला के आया 120 की स्पीड से। उधर बहुत स्पीड से आया, मगर वो दिन का समय रहता था तो एक आध दो बच्चों को ले भी ले लेता था। उसके बाद में क्या हुआ, वो आने के बाद में यहाँ पे आया, उसकी गाड़ी यहाँ से टर्न नहीं हुई अपने ऑफिस की वजह से और यहाँ पोल की वजह से टर्न नहीं हुई तो गाड़ी उसकी बंद हो गई। तो फिर मैंने उससे पूछा, भाई तू कहाँ से आ रहा, तो बोले मेरे को चंद्रपुर जाना है। तो मैंने चंद्रपुर इधर से कहाँ से निकलेगा, तो उसने बोला कि भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं इरविन में था, इरविन से गाड़ी लॉक तोड़ के लेके आया बोले मैं। तो मैंने बोला पुलिस नहीं थी कि पुलिस वालों के सामने लेके आया, बोले तुम क्या बात कर रहे सेठ। तो उत्ते में ये होने के बाद में उसके गाड़ी बंद हो गई। फिर यहाँ से साफ सफाई वाले लोग जो काम करते कर्मचारी सवेरे झाड़ू वाले, तो उनको पूछा मैंने, उनको तुम बोला तुम उनसे बात कर लो, कहीं गलती से कोरोना का पेशेंट होने निकल जाना पूरी जिंदगी में सील हो जाती थी। उसके चक्कर में फिर वो उन्होंने बात की उससे, सचिन इवराड़े वगैरह 3-4 जने थे, उन्होंने साफ सफाई वालों ने उससे बात की, भाई क्या है तेरा। तो बोले मैं जा रहा था चंद्रपुर जाना है मेरे को। तो उसने बोला इधर क्या है, तो बोले मैं जैना भी खाला क्या संतरे बेचता था पहले। अब यहाँ सबसे अहम सवाल ये उठता है कि यदि वो मरीज अस्पताल से भाग सकता है, कहीं पर भी घूम सकता है, एम्बुलेंस लेकर रफा दफा हो सकता है, तो खबर प्राप्त होने तक जिला सामान्य अस्पताल द्वारा ना कि सिटी कोतवाली में और ना ही बडनेरा में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। क्यों जिला सामान्य रुग्णालय का प्रशासन इस चीज को छुपाना चाहता है, ये वो ही जाने। इस संदर्भ में विदर्भ न्यूज के प्रतिनिधि शोएब खान द्वारा जब गोलू गिडवानी से पूछा गया तब उन्होंने बताया, दूसरा अहम सवाल ये उठता है कि एम्बुलेंस में चाबी क्यों लगी थी, किसको एम्बुलेंस लेके जा रही थी, या इसमें और कुछ संदेह छुपा हुआ है, इसकी तफ्तीश होना सबसे जरूरी है। विदर्भ न्यूज के लिए बडनेरा से शोएब खान तथा अमरावती से उमेश लोटे की ये रिपोर्ट।